नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। ये इस रेडियो प्रोग्राम का 90वां एडिशन है। पीएम ने एपिसोड की शुरुआत में लोगों को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि उस दौरान देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उसमें जीने का अधिकार भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मन की बात के लिए मुझे आप सभी के बहुत सारे पत्र मिले, सोशल मीडिया और नमो ऐप पर भी बहुत से संदेश मिले थे। इस कार्यक्रम में हम सभी की कोशिश रहती है कि एक दूसरे के प्रेरणादायी प्रयासों की चर्चा करें, जन आंदोलन से परिवर्तन की गाथा पूरे देश को बताएं। साथ ही आगे चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसी कड़ी में मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 25 मरीजों की मौत हो गई है। इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया था। वह इस समय टीम होटल में आइसोलेशन में है और BCCI की मेडिकल टीम की देखरेख में है। देपालपुर में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण संपन्न हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई दिखाई दी। वहीं दोपहर तक लगभग 50% मतदान संपन्न हुआ। जनपद पंचायत क्षेत्र देपालपुर के किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। वहीं अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग की जिससे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है। आज पोलिंग का डे है। हमारी टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। लगभग 15-20 दिनों से इंटेंसिव हमारे लोगों की तैयारी है। अभी भी मतदान जारी है। बहुत अच्छा टर्नआउट है। बहुत सारे मतदान केंद्रों पे अभी भी काफ़ी भीड़ है। सुबह से ही 6:30 बजे से लोग इकट्ठा हुए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में संपन्न हुआ। पहले चरण में 115 जनपदों के 8,702 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ, जिसके चलते सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ दिखी। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही उच्च अधिकारी लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शनिवार को खत्म हुआ। प्रदेश के सिंगरौली जिले में मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं का जमावड़ा देखने को मिला। जिले में किसी भी मतदान केंद्र से गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। बात करें आंकड़ों की तो बैढ़न जनपद की 92 ग्राम पंचायतों में 2,28,377 मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। 7 बजे से पोलिंग बूथ में आया हूँ। जिला पंचायत का और जिला पंचायत और जनपद पंचायत का चुनाव हो रहा है। इसमें जो है मैं एजेंट हूँ। अभी कार्य जो है प्रगति पे है, ढंग से चल रहा है। शिवपुरी जिले में खनिया थाना और बदरवास जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कुटवारा ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर मतदान को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। बदरवास में 2 बजे तक 60%, जबकि खनिया थाना में 55% मतदान हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। इस दौरान युवा मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। दरअसल कुछ युवाओं को पहली बार मत अधिकार का उपयोग किया गया। आपको बता दें कि प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था के साथ पूरा चुनाव संपन्न करवाया। वहीं बड़वानी जिले की जनपद पंचायत पानसेमल के ग्राम पंचायत बाजरी के ग्राम मेंद्राना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। गांव वालों का कहना है कि हमारे ग्राम में विगत कई वर्षों से जो समस्या है उसका आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया है, तो हम किस बात के लिए मतदान करें।
ग्रामीणों को मनाने रिटर्निंग ऑफिसर पानसेमल तहसीलदार राकेश सत्ते भी गांव में पहुंचे और लोगों से मतदान करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर अब तक सिर्फ छलावा ही हुआ है, इसीलिए वह मतदान का हिस्सा नहीं बने। इस मामले में प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बहिष्कार के चलते 338 मतदाताओं में से केवल 10 लोगों ने ही वोट दिया। लोगों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार मेदराना गांव में और बालचूरी पंचायत के यहाँ पर लगती है। ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर मुझे पता चला कि यहाँ पर लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाता है, तो मैंने लोगों को समझाने की कोशिश किया। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत को लेकर। कारण अनेक है। पूर्व में जो सरपंचों के द्वारा इस गाँव में कोई व्यवस्था नहीं किया, जो भी किया गया वो अधूरा छोड़ के चले गए। इस बात को लेकर निर्माण कार्य किया वो भ्रष्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी में मौसम वैज्ञानिकों ने भोपाल, रीवा, जबलपुर, शहडोल, इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कई जिलों में बारिश हुई जिससे मौसम में ठंडक बना गई और पारा नीचे आ गया। शाम 5:30 बजे तक धार में 21, रीवा में 5, उमरिया में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई। रायसेन जिले के खरबई में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के ताले लटके होने की वजह से डिलीवरी के लिए लेकर आए एक प्रसूता को उसके परिजनों को घंटों परेशान होना पड़ा। इतना ही नहीं, यह प्रसव कराने के लिए ना तो कोई महिला डॉक्टर मिली और ना ही दाई या वार्ड बॉय। उप स्वास्थ्य केंद्र में गेट पर ताले लटके होने के साथ ही डॉक्टर, नर्स, दाई, वार्ड बॉय गायब रहे। वहीं जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठ रहे हैं। पहले की सरकार अपने 15 साल के कामों को भूल गई है। वह करोड़ों खर्च कर समिट कराते थे, उसके बावजूद कोई निवेश नहीं आता था। ये बात छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कही। इस विषय पर एमकेएन के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा का आरोप है कि सरकार के पैसे से घूम रहे हैं और अभी तक 3.5 साल हो गया सरकार का, लेकिन निवेश नहीं ला पाए। ये लोग अपनी पुरानी जो 15 साल की कार्य पद्धति थी, जो इनका कार्यगुजारी था, उसको भूल गए लगता है। ये सबमिट कराते थे और करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्चा कर दिए और उनका तो निवेश आया नहीं। अब अगर हमारे सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं तो इनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए, 1.5 साल बचा है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर सरकार की जो कार्य है उसको देखने को मिलेगा। लेकिन खाद की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसान जो हैं वो अभी इस किल्लत से गुजर रहे हैं, खाद की कमी है। इसको लेकर जो है मंत्री अमरजीत भगत को भी उन्होंने कॉन्टेक्ट की थी और मंत्री ने कलेक्टर को तुरंत निर्देश दिया है कि ताकि उनको खाद की कमी ना हो। मैं चित्रा पटेल, एमके न्यूज, रायपुर। आपातकालीन की बरसी को बीजेपी ने काला दिवस के रूप में मनाया। इसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने निजी स्वार्थों के लिए इंदिरा गांधी ने अदालत और जस्टिस के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक कर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और देश के साथ मीडिया की आजादी छीन ली थी। आपातकाल के ऊपर हम प्रतिवर्ष इसको स्मरण इसलिए करते हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई, एक लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई, उसको देश को स्वतंत्र किया गया। दूसरी लड़ाई कांग्रेस के उस तानाशाही स्वरूप से देश को मुक्त कराने की थी, जो इंदिरा जी ने अपने निहित स्वार्थों के चलते अदालत के आदेश को, जस्टिस जगमोहन का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, रद्दी की टोकरी में फेंक कर अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए लोकसभा का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं के चलते हर महीने 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए आईजी ओपी पॉल ने जिलों में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जोर देने को कहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि केवल 1 महीने में राजधानी जयपुर में 16 लोगों ने सड़क हादसे में जान गंवाई है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। हाईवेज में एक्सीडेंट के संबंध में हमारे जो ट्रैफिक टीम जो है, हमारे जो 4 पेट्रोलिंग हाईवे पेट्रोलिंग लगाए हैं उनके लिए
उसके बाद फिर हमारी जो रेंडम जो चेकिंग करते हैं वो अधिकारी हम लोग हाईवेज़ में भेजते हैं ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट कम हो और कैजुअल्टी कम हो। और इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी आई थी उन इस पार्टों को हमने दिखाया है उनको। सीहोर के थाना रहटी में घाट निर्माण के दौरान अचानक से हादसा हो गया और इसमें दो मजदूर दब गए। मामला बुधनी विधानसभा का है जहां कंस्ट्रक्शन ठेकेदार नर्मदा घाट का निर्माण कार्य इतना घटिया स्तर पर किया गया कि वह निर्माण के दौरान ही अपनी स्थिति बयां कर गया, जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद ठेकेदार संजय शर्मा के काम कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है। ऊपर खड़ा था और ऊपर खड़ा था, कुछ नहीं कर रहे थे, ऊपर से नीचे मिट्टी गिर गया, तो ये खदान में धस गया था। हाँ, खदान में धस गया था, मिट्टी और वाल था दोनों उसके ऊपर गिर गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के निर्देशन पर स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की बात कही है। ये स्कूल इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए जा रहे हैं। इन नए स्कूलों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टरों को नवीन स्कूलों में आवश्यकतानुसार शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों की पूर्ति के साथ ही अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में 12 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ी घोषणा की है आप लोगों ने कि आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की रायपुर जिला में और 12 बढ़ाने की आप लोगों ने घोषणा की है। नहीं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें अंग्रेजी माध्यम का जो सरकारी तौर पे जो स्कूल खोला जा रहा है बहुत ही उसकी लोकप्रियता है। हम लोग ने पहले 171 स्कूल खोले हैं। अभी कल हमने विभाग को भेजा था तो कल उसकी स्वीकृति मिली हुई है, तो पूरे प्रदेश में पुनः हम लोग 76 स्कूल और खोल रहे हैं। ये रायपुर में 12 और आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ में जो है बिरगांव में भी स्कूल खोले जाएंगे। निश्चित तौर से यहाँ के जो बच्चे हैं रायपुर शहर के उनको इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज रायपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की ग्राम पंचायत आलीपुर खेड़ा में विकास के क्षेत्र और सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के प्रधान संत प्रकाश को प्रदेश सरकार की ओर से यशस्वी ग्राम प्रधान का खिताब दिया गया है, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने ग्राम प्रधान संत प्रकाश को सम्मानित कर प्रमाण पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे गांव में विकास कर रहे हैं लोग, तो हमें एक गांव मिला सर, सिद्धार्थनगर हसुड़ी और शानपुर ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में, तो वहां हम गए, वहां हमने देखा, वहां देखा तो उनका हमने पूरा विकास देखा, तो हमने पता किया कैसे कैसे आपने किया, तो वहां से हम कुछ लेके आए जानकारी, फिर हमने सर्च किया। राज्य सरकार ने हमारे यहाँ से जो अलीपुर खेड़ा के प्रधान हैं संत प्रकाश जी, उनको यशस्वी प्रधान का खिताब न केवल दिया बल्कि प्रदेश में उनकी रैंकिंग पहन लिया हुआ है। उनके द्वारा जो गांव में विकास किए गए योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया गया है, जो भी इस तरह के विकास कार्य किए गए हैं उस पर उनकी रैंकिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निस्तारण किया, जिसके बाद दोनों अधिकारी चोला थाने में बने भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान थाने में खड़े लावारिस वाहनों को नीलाम करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हथियार मिले हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और हथियारों को अपने कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को सूचना दी। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के कुरावली तहसील का है, जहां गणेशपुरा गांव में बहादुर सिंह फौजी अपने खेत समतल कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें ये हथियार मिले। फिलहाल पुरातत्व विभाग ने हथियारों को अपने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। पाषाण काल में जो लड़ाइयाँ होती रहीं उसके यूज करने का सामान जैसे भाला है, तीर है, ऐसे कुछ मतलब नुकीले सामान है। तो ये प्राप्त कैसे हुआ है? ये खुदाई के दौरान, ये मतलब खेत को प्लान कराया जा रहा था। सामान पुराना है, वो जो है वो दे दिया। वो क्या लगता क्या है? वो भाला है और
एक कतारी तारी जैसी है। ये कब हुई थी खुदाई? कल सुना था, मैं भी आए बहादुर सिंह के खेत में निकला है। ये नहीं मालूम बताते, 300 साल पुराना है। और एडीएम साहब भी आए थे, वो ले गए 39 निकले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीए राजेश्वर ने पैनुली से जाख ढोबरा लमगांव मोटर मार्ग को डबल लेन बनाने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टिहरी झील के ऊपर डोबरा चांठी पुल बनने के बाद जाख डोबरा लमगांव मोटर मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की संख्या बढ़ गई है। दूसरी तरफ मार्ग संकरा होने के कारण चार धाम पर आने वाले यात्रियों को परेशानी होती है, इसीलिए डबल लेन का जरूरत है। माननीय जगह भी है, आदर की जगह भी है और हमारे विश्वास की जगह भी है। तो हमने ये कहा था कि खैट पर्वत पे, क्योंकि ट्रैक खैट पर्वत का, अगर आप गए हों तो मतलब ट्रैक बहुत अच्छा है और वो जगह इतनी अच्छी है जहाँ पर आप योग की क्लासेस चला सकती हैं। और ऐसी योग की क्लासेस नहीं कि जो आप छोटी मोटी चलाओ, इस ढंग की चलाओ कि जो पूरे विश्व से लोग आए। और योग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी 90% बीमारियों को प्रिवेंटिव रूप से मैनेज कर सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते मैनपुरी शहर के शमशान घाट रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा जिले में अवैध प्लॉटिंग का मकड़ जाल फैला रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें प्लॉटिंग के दौरान बनी सड़कों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सदर SDM भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। उप क्षेत्र में किसी भी तरह का आवासीय निर्माण अलाउड नहीं है, ये जनक्षति के लिए भी है और ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ कोई नक्शा नहीं पास हो सकता, इसलिए यहाँ पे अवैध अतिक्रमण के अगेंस्ट अभियान चलाया गया है, जैसा कि शासन की मंशा है। यह हमारा जो अभियान है कम से कम भी 15 दिन चलेगा, जहाँ पे हमारा मेन फोकस है उन भूमाफियाओं पे जो अवैध प्लॉटिंग करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रावभाटा इलाके में RTO कार्यालय के अंदर इंस्पेक्टर और उड़न दस्ता प्रभारी के साथ गाली गलौज और विवाद के मामले में खमतराई थाना पुलिस ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शासकीय कार्य में बाधा और गाली गलौज करने का केस दर्ज किया है। इससे पहले एक वीडियो में आरोपी प्रिंस सिंह ने RTO अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था, जिसकी जांच अभी जारी है। कल RTO इंस्पेक्टर थाना के रिपोर्ट दर्ज हुआ है कि क्षेत्र में रहने वाले प्रिंस परिवार वाले साथी इस मुद्दे को लेकर RTO ऑफिस गए थे और वहाँ पर जो महिला RTO इंस्पेक्टर है उनसे बदतमीजी है, शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए धक्का मुक्की किए हैं। उस संबंध में FIR दर्ज किया गया है। एक और FIR है जिसमें जो गाड़ियों को रुकाने के लिए कहा RTO इंस्पेक्टर के द्वारा नहीं रोकने पर और वहाँ वाद विवाद करने धक्का मुक्की करने पर उनके रिपोर्ट पर एक FIR किया गया। जांजगीर चांपा के ग्राम पिहरेत में 60 फीट नीचे बोरवेल में गिरकर फंसे होने के बाद लगभग 105 घंटे बाद रेस्क्यू से बाहर आए राहुल का इलाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में अपोलो अस्पताल बिलासपुर में किया जा रहा था, जिसे देखने कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला बिलासपुर अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं पूरी तरह स्वस्थ हो चुके राहुल की अस्पताल से छुट्टी कर उसे घर भिजवाया गया। इस कलेक्टर ने राहुल के परिजनों से भी बातचीत की। जिस बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीम ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने दिन रात एक किया था, आज वो बच्चा सकुशल अपोलो हॉस्पिटल से वापस लौट रहा है। तो मैं सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला कर रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। आपदा के दौरान मीडिया अहम भूमिका होती है, इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के सचिव आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि आपदा प्रबंधन तंत्र का समन्वय जरूरी है। इसके साथ ही अधिशासी निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला ने बताया कि भू वैज्ञानिक और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही मौसम संबंधित विषमता उत्तराखंड को कई आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। आपको बताने की मीडिया कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों ने नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। हमने कार्यशाला रखी है मीडिया प्रबंधन के संबंध में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट मीडिया का रोल है
उसमें किस तरह से उस मीडिया के रोल को और प्रभावी बनाया जाए उसके संबंध में विचार विमर्श करने के लिए हमारे पत्रकार बंधु, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, यूएसडीए में अन्य सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। कंट्रोल रूम हमारा तैयार है। इसके पहले हर एक मानसून सत्र के पहले हम लोग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं विभिन्न विभागों से, 16 विभागों से, तो वो ऑलरेडी हमारी 3 जून से ही करके तैयार है और हमारे नोडल अधिकारी सारे बैठ रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं CWC से और IMD के साथ, वो हमारी हो गई है और हमने सबको सारी वार्ताएं करके हमारे पास डेटा आता है, हमारे पास 176 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टीकाम की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में समीक्षा बैठक हुई। मंत्री डॉक्टर टीकाम ने अधिकारियों को किसानों को 5,800 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण सितम्बर माह तक अनिवार्य रूप से वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप लाख पालन, मछली पालन, डेयरी और पशुपालन के लिए किसानों को प्राथमिकता से ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के स्कूल खाद्य शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद हैं। खेती किसानी का सीजन है, किसान खेती कर रहे हैं, अभी खाद की उनको ज़रूरत पड़ रही है, क्या खाद की कमी है? नहीं, छत्तीसगढ़ तो किसान प्रधान देश प्रदेश है, यहाँ खेती मुख्य यहाँ पर व्यवसाय है लोगों का, और आज हम देखें तो 70% लोग खेती किसानी करते हैं, सब उसमें जुड़े हुए हैं। तो सरकार की जो फोकस है वो किसानों के प्रति है, अच्छे उनको बीज मिल जाए, अच्छे खाद मिल जाए। उसकी भी मैंने कल समीक्षा किया था, तो उस समीक्षा में मैंने ये पाया कि जो हमारी जो टारगेट है 2022 का वो 5,800 करोड़ ऋण बांटने का है और अब तक हम लोगों ने 3,3243,83,00,000 का बांट चुका है और इसी तारीख को, इसी सीजन में, विगत वर्ष में 2021 में हमने 1,760 करोड़ बांटा था। तो इस साल हम लोग ने बढ़ोतरी किया है, इस साल हमने पूरे से उसका निगरानी और समीक्षा करते रहे हैं, तो इस साल हम लोग ने बढ़ाया है, टारगेट भी बढ़ाया है और लोगों के ऋण भी वितरण अधिक हुआ है। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम। इन्होंने जैसा कि बताया है कि किसानों के ऋण के लिए 58 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है KCC बिल, उसको लक्ष्य रखा है, इसको आने वाले समय पे देखना होगा कि क्या इस लक्ष्य पे राज्य सरकार कायम रहेगी। मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज, रायपुर। दुर्ग जिले में लगातार हो रही हत्या और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव फुल एक्शन में है। SP ने कॉबिंग गश्त के दौरान कई थानों का निरीक्षण किया और रात्रि गश्त में लगे पुलिस कर्मियों के हाल जाना, साथ ही शासन से मिलने वाले साप्ताहिक अवकाश के उपयोग को लेकर भी चर्चा की। आपको बता दें कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दुर्ग SP लगातार काम कर रहे हैं। उनके एक्शन के कारण थानों में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारी भी हरकत में है। रात में हम लोगों ने पूरे ज़िले के तमाम थाने और चौकी का गश्त किया, जो हमारा गश्त पॉइंट था वहाँ पे ब्रीफ किया गया। इससे जो पुलिस के अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, उनका मनोबल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमें फीडबैक मिलता है कि गश्त में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे भी हम रूबरू होते हैं। राजधानी रायपुर के सायाजी होटल के अकाउंट मैनेजर और उसके एक सहयोगी ने मिलकर 3 सालों में 30 लाख रुपए का गबन कर फरार हो गए। होटल प्रबंधन ने तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि अकाउंट मैनेजर सिद्धार्थ त्रिवेदी और सहयोगी संदीप तिवारी ने ग्राहकों से पूरी राशि लेकर होटल के खातों में जमा न करते हुए खुद ही रख लेते थे। दोनों ही होटल में करीब 5 साल से काम कर रहे थे। फिलहाल दोनों ही आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। थाना तेली माना क्षेत्र अंतर्गत साया स्थित सायाजी होटल का अकाउंटेंट से सिद्धार्थ त्रिवेदी, जो ग्राहकों से पैसा ले रहे थे लेकिन बैंक उसके होटल के अकाउंट में नहीं डाल रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब इन लोगों को पता चला तो उसका दरियाफ्त किया गया, तो ये पता चला कि लगभग 30 लाख के आसपास की धोखाधड़ी जो है सिद्धार्थ त्रिवेदी के द्वारा की जा चुकी है और उसके बाद से सिद्धार्थ त्रिवेदी जो है वो होटल की नौकरी छोड़कर वहाँ से
अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी, हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला। महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला। पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार। क्या काले का नामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब? आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार? आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार? जनता कर रही जांच की मांग। आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया? बिना काम किए बिल क्यों दिए गए? ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ गांठ। पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है तथा आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर व संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड, संपत्ति तथा बैंक लेन देन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।